कैसे हो। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बायो मॉलिक्यूल्स का एक नया लेक्चर, लेक्चर नंबर 07। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रक्टोज के बारे में। तो पिछला क्लास में म्यूटेशंस को पढ़ के यहाँ पे आए हैं, अब स्टार्ट करते हैं फ्रक्टोज को। तो हेडिंग डालिए फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, और यही फॉर्मूला C6H12O6 ग्लूकोज का भी होता था, जो कि हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जब पढ़ रहे थे तो देखे थे कि वहां पर ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। मतलब कि ये कह सकते हो कि ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का दोनों का फॉर्मूला जो है वह सेम होता है। अब बात करें दूसरे नंबर की, तो ये जो है वह कीटो हेक्सोस होता है। क्या होता है? कीटो हेक्सोस। देखिए इसको समझिएगा, कैसे समझना। देखिए हम बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज जब हम पिछले क्लास में पढ़े थे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखे थे, कुछ इसका स्ट्रक्चर HOH, इधर H लगा हुआ था, इधर OH लगा हुआ था, इधर H लगा हुआ था, इधर H लगा हुआ था। ये था ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो इसको कीटो हेक्सोस क्यों कहते हैं, ये चीज समझते हैं। इसको हम लोग बोलते थे अल्डो हेक्सोस। क्या बोलते थे? अल्डो हेक्सोस। ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि इसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। यहां पर देखिए कि इसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसी के चलते इसको अल्डो हेक्सोस बोलते थे। अल्डो इसलिए क्योंकि यहां पे अल्डिहाइड है, हेक्स इसलिए क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 सिक्स कार्बन है, इसी के चलते इसको हेक्स बोलते थे। और ओस इसलिए क्योंकि सिक्स कार्बन है ना, सिक्स कार्बन है, और ओस इसलिए क्योंकि ये एक प्रकार का सुगर है, तो इसी के चलते इसको बोलते थे अल्डो हेक्सोस। उसी प्रकार से बात करें कीटो हेक्सोस की, तो यहां पर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर में यहां पर देखिए कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, और हेक्स का मतलब भी 6 कार्बन, ओस का मतलब भी एक सुगर, जो कि सुगर एक प्रकार के ये सुगर है, तो इसी के चलते इसको बोलते हैं कीटो हेक्सोस। ठीक है, अब देखते हैं इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, जो कि कुछ ऐसा होता है। फ्रक्टोज का स्ट्रेट चेन कुछ ऐसा होता है, और ये जो स्ट्रेट चेन है इसमें देखिए सिमिलैरिटीज और डिफरेंट देखिए कुछ है नहीं। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज को समझना बहुत ही इजी है। जो कोई ग्लूकोज को पढ़ के आया होगा उसको फ्रक्टोज समझने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ग्लूकोज में काम किए थे वैसे वैसे फ्रक्टोज में काम करेंगे, कुछ अलग चेंजिंग नहीं होगा। हालांकि फ्रक्टोज को भी अगर आप समझिएगा तो ग्लूकोज का आपका रिविजन हो जाएगा। तो देखिए कैसे फ्रक्टोज को समझिएगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर, ये फ्रक्टोज है और ये ग्लूकोज है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में क्या क्या सिमिलैरिटीज है और क्या क्या डिसिमिलैरिटीज है। बात करें फ्रक्टोज की तो यहां पर देखिए CH2OH सबसे टॉप बॉटम में लगा है, उसके नीचे जो है सेकेंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, सेकेंड कार्बन पे कीटो ग्रुप लगा हुआ है, और यहां पर देखिए तो अल्डो ग्रुप लगा हुआ है, अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ कीटोन और यहाँ अल्डिहाइड। तो ये क्या है, ये क्या है, डिसिमिलैरिटीज है दोनों में। और दूसरी सिमिलैरिटीज क्या है कि यहाँ पर फर्स्ट कार्बन में अल्डिहाइड लगा हुआ है, यहाँ पर सेकेंड कार्बन में कीटोन लगा हुआ है। मतलब कि जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है दोनों जगह पे, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे और यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे, ये है डिसिमिलैरिटीज। लेकिन सिमिलैरिटीज की बात करें तो अगर हम ये दो कार्बन को छोड़ दें तो बाकी जो स्ट्रक्चर होगा यहां से ऐसे, ये सिमिलर होगा नीचे, बाकी सब यहां से सिमिलर होगा। ये हो गया सिमिलैरिटीज, और ये दोनों डिसिमिलैरिटीज कि भाई ये सेकेंड कार्बन पे है, ये फर्स्ट कार्बन पे है, दूसरी बात यहाँ पे अल्डिहाइड है और यहाँ पे कीटोन है। अच्छा, ये था स्ट्रक्चर में डिफरेंस। तो आपको ये स्ट्रक्चर में भी याद हो गया होगा कैसे याद करना है। अब बात करते हैं कि ये जो है, जैसे ग्लूकोज दो फॉर्म एग्जिस्ट करता था नॉर्मल टेम्परेचर पे, एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी ग्लूकोज, उसी प्रकार से फ्रक्टोज भी जो है वह एक अल्फा डी फ्रक्टोज और एक बीटा डी फ्रक्टोज दो फॉर्म एग्जिस्ट करता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। अब कैसे एग्जिस्ट करता है उस पर बात करते हैं। तो देखिए नीचे से सेकेंड कार्बन का जो OH है वहां पे जाइए, तो यहाँ पे जो O है, ये O के पास लोन पेयर है, O के पास क्या है, लोन पेयर है, और ये जो लोन पेयर है यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और ये जो कार्बन है
इसके पास क्या है, डेल प्लस है, डेल प्लस है, मतलब कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये क्या करेगा, इस यहां से जो है लोन पेयर को अपने पास खींचेगा और ये जो लोन पेयर है इस पे जाके अटैक करेगा। तो ये करेगा क्या, ये लोन पेयर जो है जाके इस पे अटैक करेगा, और जब लोन पेयर यहां से जाके अटैक करेगा तो होगा क्या कि यहां पर बचेगा OH, OH बचेगा और O और H के बीच में बॉन्ड रहेगा। तो जब लोन पेयर यहां से अपना खर्च करके कार्बन के पास जाके अटैक कर देगा तो ये फिर अपने आप से क्या करेगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और दुनिया में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा मेटल नहीं है या कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो कि स्टेबिलिटी ना चाहता हो। तो वही ये जो है स्टेबिलिटी चाहेगा, क्योंकि ये अपना दूसरे को गवा दिया तो इसको भी तो चाहिए फिर फुलफिल होने के लिए। तो ये करेगा क्या, ये हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा इसको तोड़ के अपने आप अपने पास खींच लेगा, और जब खींचेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, अपने आप में स्टेबल हो जाएगा, और जब ये स्टेबल हो जाएगा तो ये H+ बाहर निकल जाएगा, और यही H+ जो है यहां से बाहर निकल जाएगा इससे, और यही H+ जो है वो O के पास जाके अटैक कर जाएगा। एक बात और, जब ये लोन पेयर यहां पे जाके अटैक करेगा कार्बन पे तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी टूट जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड बना लेगा और ये इस जाके यहां से जुड़ जाएगा, OH बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अल्फा डिफ्रक्टोज और बीटा डिफ्रक्टोज कैसे बनता है। तो हमने तो ये मैकेनिज्म आपको समझा दिया कि कैसे कैसे अटैक किया और क्या क्या बनेगा, लेकिन ये नहीं बताया कि अल्फा डिफ्रक्टोज कैसे बनेगा और बीटा डिफ्रक्टोज कैसे बनेगा। तो इसको समझिए, देखिए लोन पेयर है कार्बन पे जाके अटैक करेगा, तो जब कार्बन पे जाके अटैक करेगा तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये जाके आगे से अटैक करेगा या तो जाके पीछे से अटैक करेगा कार्बन पे। कार्बन पे दो तरीका से अटैक कर सकता है लोन पेयर, या तो आगे से अटैक करेगा या तो पीछे से अटैक करेगा। तो यही से दो फॉर्म, दो प्रोडक्ट बनेगा, जब आगे से अटैक करेगा तो एक अलग प्रोडक्ट और जब पीछे से अटैक करेगा तो एक अलग प्रोडक्ट। अगर आगे से अटैक करेगा और पीछे से अटैक करेगा तो जो दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वही है अल्फा डिफ्रक्टोज और बीटा डिफ्रक्टोज। एक हो गया आपका अल्फा डिफ्रक्टोज और एक हो गया बीटा डिफ्रक्टोज, समझ में आ गया बात। अच्छा, अब आपको बता रहे हैं कि ये जो है, हाँ ये जो है आपस में क्या होता है, कन्वर्टिबल होता है, ये जो है आपस में कन्वर्टिबल होता है। इसको ऐसे दे दीजिए, थोड़ा बेस्ट रहेगा कि ऐसे दिखेगा। हाँ, तो ये देखिए फ्रक्टोज से ये सब तीनों जो है आपस में क्या होता है, कन्वर्टिबल होता है, मतलब कि फ्रक्टोज से जिस प्रकार से हम अल्फा डिफ्रक्टोज बना रहे हैं उसी प्रकार से अल्फा डिफ्रक्टोज से फ्रक्टोज बना सकते हैं, या तो फ्रक्टोज से जिस प्रकार से बीटा डिफ्रक्टोज बना रहे हैं उसी प्रकार से बीटा डिफ्रक्टोज से फिर से फ्रक्टोज बना सकते हैं, मतलब कि आपस में कन्वर्टिबल होता है। अब बात करें कि यहां पर जो अल्फा डिफ्रक्टोज है और बीटा डिफ्रक्टोज है इसके आगे जो है वह माइनस का साइन क्यों लगा हुआ है, नेगेटिव साइन क्यों लगा हुआ है, तो इस पर बात करते हैं। देखिए इसको समझने के लिए आपको ये चीज जानना होगा कि ये जो अल्फा डिफ्रक्टोज और बीटा डिफ्रक्टोज जो है वो दोनों आपस में ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। और कोई भी चीज ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब ये हुआ कि PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करेगा, रोटेट करेगा। क्या करेगा, PPL को रोटेट करेगा। अब बात करते हैं कि कैसे रोटेट करेगा। अगर किसी भी चीज को हम, अगर PPL को अल्फा सॉरी फ्रक्टोज से अगर रोटेट कराएंगे, बात समझिए, PPL को अगर फ्रक्टोज से रोटेट कराएंगे तो होगा क्या, उसका रोटेशन या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। दो पॉसिबिलिटी है ना, रोटेशन तो करेगा ये तो कंफर्म है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन या तो पॉजिटिव रोटेशन करेगा या तो नेगेटिव रोटेशन करेगा, या तो क्लॉकवाइज या तो नेगेटिव सॉरी या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो उसी को बोलते हैं डेक्स्टर रोटेटरी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो उसको बोलते हैं लेबो रोटेटरी, डेक्स्टर रोटेटरी और लेबो रोटेटरी। तो यहां पर जो है वह लेबो रोटेटरी होता है। यहां पर अल्फा डिफ्रक्टोज और बीटा डिफ्रक्टोज में जब PPL पास करते हैं तो क्या करता है, लेबो रोटेटरी करता है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इसी के चलते यहां पर निगेटिव लगाते हैं। और एंटी लेबो रोटेटरी
रोटेटरी का मतलब नेगेटिव और डेक्स्ट्रा रोटेटरी का मतलब पॉजिटिव। तो डेक्स्ट्रा रोटेटरी कहाँ पे होता था? ग्लूकोज के केस में, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जो बनता था उसमें हम पॉजिटिव लगाते थे क्योंकि वहां पे जो है वह क्लॉकवाइज रोटेशन होता था, डेक्स्ट्रा रोटेटरी होता था, तो वहां पे पॉजिटिव साइन। लेकिन यहाँ पे क्या है कि निगेटिव इसलिए लगाते हैं क्योंकि लीवर रोटेटरी होता है और लीवर रोटेटरी जो है वह एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसके चलते ये निगेटिव साइन लगा। ये तो स्पष्ट हो गया। अब बात करते हैं आगे। इसमें देखिए एक चीज और ऑब्जर्व करने वाला बात है कि हम ये भी बताए थे कि जो फर्स्ट कार्बन होता है यहाँ पे, ये जो फर्स्ट कार्बन होता है इसको हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। या यहां पर भी जो फर्स्ट कार्बन है इसको भी क्या बोलेंगे? एनोमेरिक कार्बन ही बोलेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन। एनोमर्स क्या होता है? एक इपिमर्स वर्ड से आया था। और इपिमर्स क्या होता है? कि एक ऐसा कार्बन जिसके कारण से दो स्ट्रक्चरल आइसोमर बने। क्या हो? एक ऐसा कारण कार्बन जिसके वजह से दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बने उसको क्या बोलते हैं? इपिमर्स। और जो कार्बन की वजह से बने उस कार्बन को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। सीधा बात, तो यही कार्बन की वजह से दो अलग अलग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। तो ये हो गया। अब जो है इसमें देखिए है क्या कि कैसे पहचानेंगे कि ये अल्फा डी ग्लूकोज, सॉरी अल्फा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है और ये बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, कैसे पहचानेंगे, इसको समझेंगे कैसे? तो देखिए कार्बन के, फर्स्ट कार्बन के अगर राइट साइड OH ग्रुप है तो इसको बोलेंगे अल्फा डी फ्रक्टोज, और अगर फर्स्ट कार्बन के लेफ्ट साइड OH ग्रुप है तो इसको क्या बोलेंगे? बीटा डी फ्रक्टोज। या इसको एक और तरीके से समझिए, OH ग्रुप जो है अगर चैन के अंदर या तो ब्रिज के अंदर आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? अल्फा डी फ्रक्टोज। और OH ग्रुप अगर इस ब्रिज के, इस चैन के बाहर चला जाए, फर्स्ट कार्बन का OH ग्रुप इस ब्रिज के बाहर चला जाए तो इसको बोलेंगे बीटा डी फ्रक्टोज। क्लियर? अच्छा एक चीज और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है वो? हम बोले थे कि नीचे से सेकेंड कार्बन पे जो OH ग्रुप रहेगा उसको देखेंगे, ऐसा क्यों? हम थर्ड कार्बन के OH को क्यों नहीं देखेंगे, फोर्थ कार्बन के OH को क्यों नहीं देखेंगे? तो आपको ये चीज मालूम होगा, ऐसा इसलिए करते हैं कि यहां से अगर OH ग्रुप को देखेंगे, सेकेंड कार्बन के OH ग्रुप को देखेंगे तो यहां से जो O का लोन पेयर अटैक करेगा तो यहां से फाइव मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा, और फाइव मेंबर्ड रिंग का जो फॉर्मेशन होगा, जो फाइव मेंबर्ड रिंग होगा वो स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। हम ग्लूकोज के केस में देखे थे कि सिक्स मेंबर्ड रिंग जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन यहां पर फाइव मेंबर्ड रिंग ही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। जो सिक्स मेंबर्ड रिंग होता है वो कुछ कुछ केस में होता है, एक्सेप्शन केस में, जैसे कि ग्लूकोज के केस में। और यहां पर सबसे ज्यादा फाइव मेंबर्ड रिंग बना सकता है जो कि यहां से पॉसिबल है, इसी के चलते यहां से करते हैं इसको। अगर आप समझना चाहते हैं तो इसको देखिए ऐसे समझिए, देखिए यहां पे कार्बन है ग्लूकोज के केस में, सबसे पहले समझिए, और यहां पे जो है वह एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, नीचे R लगा हुआ है, मींस कार्बन लगा हुआ है, नीचे R लगा हुआ है मींस कार्बन लगा हुआ है। और इसका देखिए कीटोन का, तो यहां पर CH2OH लगा रहता है सबसे ऊपर, फिर C, यहां पर कीटोन और नीचे R, मतलब कि यहां भी कार्बन। तो होगा क्या, इस चीज को ऑब्जर्व कीजिए कि यहां पर केवल नीचे कार्बन है, केवल नीचे R ग्रुप लगा हुआ है, इसी के चलते ये सिक्स मेंबर रिंग बनता है। लेकिन बात करें अगर फ्रक्टोज की तो यहां पर नीचे भी कार्बन लगा है, ऊपर भी कार्बन लगा है, दो दो कार्बन ऊपर भी और नीचे भी, जिसके कारण कि मैक्सिमम फाइव मेंबर रिंग ही बन पाता है, और फाइव मेंबर रिंग जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो यही बात समझ में आ गया। अब इसी का जो है हम लोग साइक्लिक फॉर्म या होवर्थ प्रोजेक्शन, होवर्थ स्ट्रक्चर देखते हैं कि उसका कैसे बनाएंगे, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं होवर्थ स्ट्रक्चर को। तो उसको देखने के लिए देखिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा पहले मिटा देते हैं इधर से, देखिए इसको समझेंगे कैसे करेंगे क्या कि सबसे पहले एक ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें कि फाइव मेंबर्ड चेन रिंग होगा इंक्लूड करके ऑक्सीजन को। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर्ड चेन रिंग है जिसमें कि एक ऑक्सीजन भी इंक्लूड है, ठीक है। अब होगा क्या कि इस स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर को देखिए अल्फा डिफ्रेक्टोस की। अल्फा डिफ्रेक्टोस में जो राइट साइड में ग्रुप लगा हुआ है ये तीन ग्रुप OH, इसको जो है वो हम क्या करेंगे बिलो लगाएंगे नीचे लगाएंगे। तो देखिए OH सबसे फर्स्ट OH, H, H, OH, H इस प्रकार से इसको उठा के जैसे सेट कर देंगे। देखिए कुछ ऐसा लगा दिए। अब जो है ये जो CH2OH है इसको सबसे बॉटम ऊपर लगा देंगे CH2OH, और इसका इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है इसको इसी के नीचे लगा देंगे। ठीक है, अब ये जो तीन ग्रुप बचा इसके सामने वाले ये तीन ग्रुप इसको क्या करेंगे कि ऊपर में सबसे बॉटम में ऐसे लगा देंगे। ऐसे देखिए CH2OH सबसे ऊपर, CH2OH सबसे ऊपर, उसके बाद फिर OH, फिर देखिए H। तो ये जो हुआ वो अल्फा डिफ्रेक्टोस का होवर्थ स्ट्रक्चर हुआ। समझ में आ गया। ये तीन को सबसे पहले नीचे लगा दिए, बिलो लगा दिए, फिर इसको जो है सबसे ऊपर बॉटम, और इसके इसी कार्बन के हाइड्रोजन को इसी के साथ लगा दिए, और ये जो तीनों जो बचा उसको कैसे किए सबसे बॉटम में उसको क्या किए अरेंज कर दिए। तो ये हुआ अल्फा डिफ्रेक्टोस का होवर्थ स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं बीटा डिफ्रेक्टोस का होवर्थ स्ट्रक्चर। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में हम यही देखें कि केवल देखिए OH ग्रुप का चेंजिंग हुआ, OH और CH2OH यही दोनों में चेंजिंग हुआ, बस ये दोनों ग्रुप जो है इसका जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे हुआ है और कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। तो यही काम यहाँ पर होगा, इस कार्बन पे जो है OH और CH2OH यही बस चेंजिंग होगा। यहाँ पे OH नीचे था तो यहाँ पे OH ऊपर हो जाएगा और बस चेंजिंग कर देंगे और बाकी सब जो है वो सेम रहेगा। देखिए यहाँ पर भी बाकी सब कुछ सेम है, केवल फर्स्ट कार्बन के ही ग्रुप को इधर उधर किया गया है और वही यहाँ पे हम कर देंगे। यहाँ OH पीछे है तो यहाँ OH ऊपर कर देंगे। अच्छा एक बात, जैसे कि इसको पहचाने कि फर्स्ट कार्बन के राइट साइड OH, फर्स्ट कार्बन के लेफ्ट साइड OH, तो अल्फा डिफ्रेक्टोस और बीटा डिफ्रेक्टोस, इसको कैसे पहचानेंगे, होवर्थ स्ट्रक्चर को कैसे पहचानेंगे कि भाई ये अल्फा डिफ्रेक्टोस का है और ये बीटा डिफ्रेक्टोस का है, इसको भी पहचानने का एक बहुत ही बेस्ट तरीका है। अगर CH2OH और अगर CH2OH दोनों CH2OH अगर बॉटम में रहे, यहां भी ऊपर में और यहां भी ऊपर में CH2OH, अगर दोनों CH2OH बॉटम में रहे तो इसको बोलेंगे अल्फा डिफ्रेक्टोस का होवर्थ स्ट्रक्चर, और CH2OH दोनों CH2OH अगर ऑपोजिट रहे तो इसको बोलेंगे बीटा डिफ्रेक्टोस का होवर्थ स्ट्रक्चर। समझ में आया। अगर दोनों टॉप बॉटम पे रहे CH2OH तो उसको बोलेंगे अल्फा डिफ्रेक्टोस, और दोनों अगर ऑपोजिट रहे तो उसको बोलेंगे बीटा डिफ्रेक्टोस। बात समझ आ गया। तो यही था इसका कॉन्सेप्ट, इसको फटाक से क्या कीजिए नोट कीजिए, आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं एनोमर्स ऑफ फ्रक्टोस के बारे में कि एनोमर्स ऑफ फ्रक्टोस होता क्या है। तो ये देखिए ये सब अब जो कुछ आपके सामने स्ट्रक्चर आएगा, जो कुछ लिखा हुआ है आएगा, वो आपको सब कुछ समझ में आएगा क्योंकि हम सब कुछ के बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं। बस आपको इसका नोट्स हम आपको दे रहे हैं स्लाइड्स के फॉर्म में कि आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने में दिक्कत ना हो, क्योंकि बस समझाने के लिए इंग्लिश लिखा हुआ है, कोई आपको ऐसा चीज नहीं है जो कि समझाया नहीं है। तो देखिए पर ऐसे कैसे कैसे देखना है इसको। एनोमर्स ऑफ फ्रक्टोज, अनलाइक ग्लूकोज इन फ्रक्टोज प्रैक्टिकली इट इज सीन दैट सिक्स मेंबर रिंग्स आर फाउंड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड रिलेटिव फॉर्मेशंस ऑफ ए फाइव मेंबर रिंग्स इन मोर फ्रीक्वेंट। बात किया जा रहा है कि ग्लूकोज को छोड़ करके सिक्स मेंबर ड्रिंक का फॉर्मेशन होना किसमें, फ्रक्टोज में बहुत ही कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस में, एक्सेप्शंस के केस में पाया जाता है कि फ्रक्टोज में सिक्स मेंबर चेन रिंग बन रहा है। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, किसमें बनता है, ग्लूकोज में। यहाँ पर क्या बनता है जनरली, रिलेटिव क्या बनता है हमेशा, फाइव मेंबर चेन रिंग। तो वही देखिए फ्रक्टोज है, इसका स्ट्रक्चर है बीटा, ये दो फॉर्म बनाता है, एक अल्फा फ्रक्टोज एक बीटा फ्रक्टोज, और ये अल्फा फ्रक्टोज कुछ ऐसा, बीटा फ्रक्टोज कुछ ऐसा, इसका स्ट्रक्चर, और यही जो है वह क्या बनाता है, फाइव मेंबर चेन रिंग बनाता है। तो ये तो हो गया एनोमर्स ऑफ फ्रक्टोज की बात। अब बात करते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे, ड्रॉइंग साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, तो इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल से। देखिए We know that fructose exists as five membered ring, so a pentagon structure draw करना है। आपको मालूम है कि fructose जो है या beta fructose या alpha fructose ये क्या बनाएगा,
फाइव मेंबर ट्री एग्जिस्ट करेगा। फ्रक्टोज कितना मेंबर ट्री एग्जिस्ट करेगा? फाइव मेंबर ट्री एग्जिस्ट करेगा। अगर फाइव मेंबर ट्री एग्जिस्ट करेगा तो आपको कैसा सत्व बनाना है? पेंटागोन, जो कि यहाँ पे देखिए हम बनाए हैं। पेंटागोन स्ट्रक्चर को केवल देखिए क्या लिखा हुआ है, उसको छोड़िए। कीप ऑक्सीजन ऑन टॉप कॉर्नर ऑफ पेंटागोन, टॉप कॉर्नर पे लिख दिया ऑक्सीजन। वी विल रिप्रेजेंट बॉन्ड एज वर्टिकल लाइन, बॉन्ड को वर्टिकल लाइन से दिखा दिए। देन स्टार्ट गिविंग द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप्स को देना स्टार्ट कर दिए। देख करके कैसे देते थे, इस साइड वाले को नीचे, फिर क्या करते थे, CH2O सबसे बॉटम, H को यहाँ पे और इसको फिर ऊपर से। ये सब कुछ हम बताते हैं, केवल आपको थोड़ा सा जो इंग्लिश लिखा हुआ है उसको समझा दे रहे हैं, नंबरिंग करेंगे जितना ही फंक्शनल ग्रुप है, ठीक। उसके बाद नाउ ऑन दिस रिंग वी विल स्टार्ट नंबरिंग ऑन कार्बन सी ऑन राइट ब्रांच। हम क्या बोले थे कि ये जो राइट ब्रांच है इस कार्बन से, ये जो राइट ब्रांच का कार्बन है इसी कार्बन से, यहीं से राइट ब्रांच के कार्बन से क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो राइट ब्रांच का सबसे फर्स्ट कार्बन क्या है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका नंबरिंग। अब बात करते हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तब तक इसको फटाक से नोट कीजिए, दिखाई क्लियर पड़ रहा है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज की कंटिन्यू करते हैं, दिखाई पड़ रहा है, चलिए ठीक है, दिखाई पड़ रहा है, नोट कीजिए। अब देखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज कैसे बनाते हैं, ये चीज आपको बता दिए हैं, बस लिखा हुआ है उसको समझिए। देखिए इसमें है क्या, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता था, लेकिन इसमें कुछ कुछ नया बातें हैं जो कि आपको ध्यान देने की बात है। जैसे कि आपको बोल्ड, कुछ सामने वाला कुछ पोर्शन बोल्ड दिख रहा होगा, तो ये कैसे होगा सब चीज समझते हैं, इस पे ही मत जाइए। देखिए लिखा हुआ क्या है, कॉन्फिगरेशंस एट C3 C4 C5 इज सेम एट ग्लूकोज। जो तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, जो तीसरे कार्बन के बाद जो नीचे वाला जो कॉन्फिगरेशन होता है वह फ्रक्टोज का, वो सेम किसके जैसा होता है, ग्लूकोज के जैसा, जो कि हम स्ट्रक्चर में भी आपको बताए थे। द फ्रंट बॉन्ड, द फ्रंट बॉन्ड्स आर मेड थिक टू हाईलाइट 3D नेचर। फ्रंट बॉन्ड जो है, ये तीन फ्रंट बॉन्ड दोनों में इसको क्या करते हैं, हाईलाइट करने के लिए क्या करते हैं, फ्रंट बॉन्ड को हाईलाइट करते हैं 3D नेचर्स मिलाने के लिए। तो यही 3D नेचर्स मिलाने के लिए फ्रंट बॉन्ड को हाईलाइट किए हैं। अच्छा, ये चीज समझ में आ गया, मतलब कि ये जो है आपका वह बीटा डी फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और ये जो है अल्फा डी फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाए थे ये चीज आपको मालूम था, बस यही चीज हम बताना चाह रहे थे कि ये जो फ्रंट बॉन्ड जो है आपका वो क्यों करते हैं, क्योंकि 3D नेचर्स को दिखाने के लिए। अब बात करते हैं कि इसका पूरा नाम जो है वह बीटा डी निगेटिव फ्रक्टोफॉर्मोस ऐसा क्यों है। देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो कि पेंटागोन टाइप का स्ट्रक्चर जो है, इसका जब हम नॉमिनिक्लेचर करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इसको बोलते हैं फ्यूरॉन। क्या बोलते हैं? फ्यूरॉन, FURAN, फ्यूरॉन। तो फ्यूरॉन बोलते हैं इसको। और इसी टाइप का कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पे है, ये समझे, इसी टाइप का कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पे है, तो इसमें तो हम फ्यूरॉन लगा सकते हैं। तो कैसे फ्यूरॉन लगा है वो देखिए, hence दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड फ्यूरानोस, hence दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड फ्यूरानोस as also their fructose derivatives, so fructofuranos, ये fructose का derivatives है, इसी के चलते इसको फ्यूरानोस बोल सकते हैं, और इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि fructofuranos। अब fructofuranos इसलिए बोलेंगे, देखिए फ्रक्टो इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये तो फ्रक्टोज है, फ्यूरॉन इसलिए बोलेंगे क्योंकि इस यहां से आया फ्यूरॉन, और ओस इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये एक सुअर है, नहीं नेगेटिव क्यों लगाते हैं क्योंकि ये लेबोरेटरी है, ये समझे। डी क्या है, नोमेनक्लेचर है, और अल्फा बीटा एक फॉर्म है पहचानने का, ठीक है, तो इसके चलते, और इसी के प्रकार से यहां पे लगा सकते हैं अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरॉनोस, ठीक है। अब चलते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जनरली शो सिमिलर रिएक्शन, ये सिमिलर रिएक्शन शो करता है, कैसे वो देखिए, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल्स आर आल्सो नोन टू शो पॉजिटिव रिजल्ट फॉर बेंडिंग्स फेलिंग्स एंड टोलेंट टेस्ट। देखिए या तो अल्फा डी ग्लूकोज या तो अल्फा डी फ्रक्टोज, मतलब कि जितना भी अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं, अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप, या तो वो ग्लूकोज का हो या तो वो फ्रक्टोज का हो, वो क्या करता है, हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट शो करता है बेंडिंग टेस्ट, फेलिंग टेस्ट या टोलेंट टेस्ट। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल्स जो है
वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट शो करता है बेंडिक्ट टेस्ट या तो फिर फेलिंग टॉलरेंस टेस्ट में। ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज शो पॉजिटिव रिजल्ट फॉर बेंडिक्ट फेलिंग्स एंड टॉलरेंस टेस्ट, वही चीज लिखा हुआ है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है, टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है बताइए, टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है, जिसमें कि हमको सिल्वर मिरर में सिल्वर दिखाई देता है उसको बोलते हैं टॉलरेंस टेस्ट। ये आपको एल्डिहाइड कीटोन्स पे पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, क्या पढ़ के आ गए होंगे आप क्योंकि लास्ट का चैप्टर है, तो टॉलरेंस टेस्ट आपको मालूम होगा। देखिए रिएक्शंस में सिमिलर टाइप्स का कैसे शो करता है, ये देखिए अल्डोज है, इसको जब टॉलरेंस रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या कि यहां पर देखिए प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये जो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है जब अल्डोस और टॉलरेंस रिएजेंट्स को रिएक्शन कराएंगे तो कार्बोक्सिलेट आया है और सिल्वर फॉर्म होगा, मतलब कि यहां से जो हाइड्रोजन है इसके जगह पे जो है ये ऑक्सीडाइज कर देगा टॉलरेंस रिएजेंट, यहां पे क्या कर दिया ऑक्सीजन लगा दिया, मतलब कि यहां पे ऑक्सीडेशन कर दिया, और हुआ क्या कि यहां पर प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट था इसको एटी में यहां पर जीरो ऑक्सीडेशन में, मतलब कि प्लस वन से जीरो चला गया, ये हुआ आपका फर्स्ट में। सेकेंड में देखिए यहां पर अल्डोस था और बेंडिक्ट रिएजेंट इसमें रखेंगे तो बेंडिक्ट रिएजेंट और किसके प्रेजेंट में CU सिट्रेट के प्रेजेंट में, तो यहां पर होगा क्या कि कार्बोक्सिलेट आयंस और ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। यहां पर देखिए यहां पर भी ऑक्सीडेशन हुआ, यह CU सिट्रेट जो है वह खुद को रिडक्शन करके इसको ऑक्सीडाइज करता है, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया और अपने आप रिड्यूस हो गया। यहां पर इसका प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट था और यहां पर इसका प्लस वन ऑक्सीडेशन हो गया, बात समझ आ गया। और कैसा प्रेसिपिटेट फॉर्म किया, ब्रिक रेड, मतलब कि जो ईटा होता है उसका जो रेड कलर होता है उसी टाइप का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन किया। अब बेंडिंग रिएजेंट टेस्ट होता क्या है, देखिए कोई एक कंटेनर लीजिए, ठीक है, और इस कंटेनर में बेंडिंग रिएजेंट डालिए, बेंडिक्ट रिएजेंट डालिए, जब बेंडिक्ट रिएजेंट डालिएगा तो होगा क्या, बेंडिक्ट रिएजेंट डालने के बाद फिर इसमें या तो ग्लूकोज या तो फ्रुक्टोज दोनों में से डालिए कोई भी चीज, और जब डालिएगा तो यहां पे रेड पीपीटी का फॉर्मेशन होगा, और इसी पूरे रिएक्शन इसी पूरे प्रोसेस को हम बेंडिक्ट टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग साइक्लिक रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, क्या चीज कि भाई ग्लूकोज का कुछ रिएक्शंस है उसको देखते हैं, तो इसको फटाफट से नोट कीजिए, अगली क्लास में मिलते हैं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।